दोस्तों, आपने ये तो देखा होगा कि लोग अक्सर अपनी भेड़ बकरियों, गाय या भैंस को चराने या फिर अपने कुत्ते बिल्लियों को टहलाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन शायद आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि कोई कुत्ते बिल्ली की तरह टाइगर को टहलाने या घुमाने ले जाता है। दोस्तों, आपको यह देखकर यकीन नहीं हो रहा होगा, इसलिए चलिए हम आपको मिलाते हैं उन लोगों से जो टाइगर को अपना पालतू बनाकर रखते हैं। थाईलैंड का टाइगर टेंपल एक ऐसा मंदिर है जहां बौद्ध भिक्षुओं के साथ बड़ी संख्या में बाघ भी रहते हैं। कंचनपुरी प्रांत के सांयोग जिले में स्थित यह बौद्ध मंदिर दुनिया का एकमात्र टाइगर टेंपल है, जो अपनी इस अनोखी लोकप्रियता की वजह से पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बन गया है। हालांकि जंगली जानवरों के लिए इस एरिया को वन्य मंदिर या अभ्यारण्य के रूप में 1994 में ही घोषित कर दिया गया था। यह वन्य मंदिर बाघों के साथ साथ कई और जानवरों का भी निवास स्थल है, लेकिन इस मंदिर के मुख्य आकर्षण का केंद्र केवल टाइगर ही है। दोस्तों, यहाँ टाइगर को लाए जाने का और उसको पालतू बनाए जाने का बहुत ही रोचक किस्सा है। सन 1999 में शिकारियों के डर से एक टाइगर के बच्चे को मंदिर में लाया गया था, क्योंकि टाइगर की माँ पहले ही शिकारियों का निशाना बन चुकी थी। हालांकि टाइगर का यह बच्चा ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सका और यह घटना वहां के बौद्ध बिच्छुओं को बहुत ही बुरा लगा, और इस घटना के बाद से यहां शुरू हुआ बाघ के शावकों को पालने का सिलसिला जो आज भी जारी है। आज यह मंदिर देश विदेश से आए लाखों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हर साल भारी तादाद में पर्यटक यहाँ आकर इन बाघों को करीब से देखते हैं और इनके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। थाईलैंड का नाम विश्व के प्रमुख पर्यटक देशों की सूची में शामिल है, और टाइगर टेंपल की वजह से थाईलैंड में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों से यहां भारतीय पर्यटकों की संख्या भी काफी बढ़ी है। इन बाघों को बचपन से ही मनुष्यों के साथ घुलने मिलने के उद्देश्य से ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर भी यहाँ आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं। पर्यटकों को यहाँ लाल रंग के वस्त्र पहनकर आने पर पाबंदी है। मंदिर परिसर में शोर मचाना और भागदौड़ करना भी वर्जित है। यहाँ तक कि महिलाओं के छोटे कपड़े पहनकर आने पर भी यहाँ प्रतिबंध लगा है। हालांकि इस मंदिर को दुनिया का सबसे विवादास्पद मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के बारे में कई नकारात्मक पहलू भी सामने आए हैं। मंदिर पर बाघों की तस्करी और इनके उत्पीड़न के आरोप भी लगते रहे हैं। यह भी आरोप लगता रहा है कि इन बाघों को पालतू बनाए जाने के लिए उन्हें नशीले पदार्थों का सेवन कराया जाता है। टाइगर टेंपल में आने वाले पर्यटक यहाँ बड़ी मात्रा में धनराशि खर्च करते हैं। जहाँ इस मंदिर में प्रवेश के लिए टिकट लेनी पड़ती है, तो वहीं अगर आप टाइगर के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। मंदिर प्रबंधकों के मुताबिक पर्यटकों से एकत्रित की गई धनराशि का इस्तेमाल बाघों के रखरखाव और टाइगर आइलैंड के निर्माण पर खर्च किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मंदिर की तरफ से एक टाइगर आइलैंड का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसके निर्माण के बाद वहां बाघों को स्थानांतरित करने की योजना है। दोस्तों, अगर आप भी कभी थाईलैंड घूमने जाएं तो इस टाइगर टेंपल में जाकर टाइगर्स के साथ फोटो खिंचवाना ना भूलिएगा, और हमारे वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।